वेलकम बैक। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फाइबर पे क्या क्या हमें 110% करना है जिसके वजह से हमें सक्सेस मिलेगी। ये ऑलमोस्ट वही सारे पॉइंट्स हैं जिनकी मैं वीडियो बना चुका हूं पहले, बट इट्स जस्ट अ रिमाइंडर, और या फिर कह सकते हो कि जो जो हमारे को की पॉइंट्स रखने ही हैं वो उसकी लिस्ट है ये, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपकी जो प्रोफाइल है वो कीवर्ड रिच होनी चाहिए। जब आप प्रोफाइल बनाते हो वहां पर डिस्क्रिप्शन डलेगी, आपकी जो प्रोफाइल है उसके टैग्स डलेंगे, ठीक है, तो वो 110% कीवर्ड्स रिलेटेड ही होने चाहिए। लेट्स से अगर आप SEO की सर्विसेज दे रहे हो तो आप उसमें लिखोगे SEO सर्विस, बैकलिंक सर्विस, ऑफ पेज SEO, ऑन पेज SEO रिलेटेड टू दैट, ठीक है। उसके बाद आएगा ऑप्टिमाइज टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। जो भी आपका कीवर्ड है वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया है, जब भी आपका किक बना रहे हो आपको स्टार्टिंग में डिस्क्रिप्शन की भी और टाइटल के भी कीवर्ड रखना है और अप्रोप्रिएटली रखना है ताकि वो यूजर को पढ़ने में अजीब ना लगे। अट्रैक्टिव गिग इमेजेस, अट्रैक्टिव एज वेल एज एक्शनेबल, क्योंकि जो इमेज लोग देखेंगे ना वही आपकी फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर लोगों ने देखा एंड दे जस्ट स्क्रॉल इट कि उनको अच्छी नहीं लगी इमेज, उनको समझ ही नहीं आया कि आप सर्विस क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो क्लिक ही नहीं करेंगे। तो मेक श्योर आपकी जो प्रोफाइल की जो इमेज होगी, जो आपकी गिग की इमेज होगी, वो एकदम क्लियर कट उस पर दिख रहा होगी आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हो। अगर आप वीडियो यूज कर रहे हो तो वीडियो पूरी एक्शनेबल होनी चाहिए। आप उसके अंदर बताइए आप क्या सर्विस दोगे, आपको क्यों हायर किया जाए, और लास्ट में CTA कॉल टू एक्शन की ऑर्डर नाउ और मैसेज मी नाउ, सो दैट उनको पता लगे कि अब आगे क्या करना है। और इससे काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं, आप वीडियो भी यूज कर सकते हो। मैं जनरली वीडियोस यूज नहीं करता हूं क्योंकि मैंने कन्वर्जन रेट का हिसाब लगाया था कि कितने लोगों को वीडियो इंप्रेशन मिला और उसके बाद कितने लोगों ने मेरे को क्लिक करके मैसेज किया या ऑर्डर किया, तो मुझे वीडियो में वो थोड़ा सा कम लगा था, राइट। और गिग इंप्रेशंस बढ़ने में भी मुझे ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस दिखा नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियोज ज़्यादा यूज नहीं करता हूँ। सिर्फ 2-3 वीडियो गिग्स में ही मैंने अपने वीडियोज यूज करी हुई है। बी ऑनलाइन एज मच एज पॉसिबल। फाइबर की ऐप गूगल एंड्रॉयड के लिए भी है और एप्पल स्टोर के लिए भी है, आप दोनों के लिए आप यूज कर सकते हो। डाउनलोड करो और उसको हर टाइम ओपन करके रखो। उसमें स्टेटस होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो हमेशा ऑनलाइन ही रखना है आपको। हर 15 मिनट के बाद जो प्रोफाइल है ऑफलाइन चली जाती है, तो आपको यू जस्ट हैव टू ऐसे रीलोड करोगे वो चल जाएगा। आपको शुरू में लगेगा कि यार मेरे पास चैट नहीं आ रही है, मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो मैं ऑनलाइन क्यों रहा हूँ। वो ही तो आपका टेस्ट है कि अगर आपके पास जब कुछ नहीं आ रहा स्टिल यू आर ट्राइंग, तो ही आपको 1 महीने के बाद या फिर 20 दिन के बाद आपको चैट्स आने शुरू हो जाएंगी, ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि फाइबर भी देखते हैं ना कि यार ये मैं इसको अगर वो ट्रैफिक भेजूँ तो इज ही लाइक रियली गुड एनफ कि वो उसको ट्रैफिक को संभाले, या बस यार ऐसी वो इन्होंने प्रोफाइल बना ली है और दे जस्ट वॉन्ट टू मेक सम मनी, तो वो भी उनकी भी क्रेडिबिलिटी की बात होती है। लेट से उन्होंने आपको फर्स्ट पे टॉप पे भेज दिया, आप न्यू प्रोफाइल हो, आप उनसे बात ही नहीं कर पाओगे, आप उनको समझा नहीं पाओगे, आप अपनी सर्विस ढंग से नहीं डिलीवर कर पाओगे, तो वहाँ पे फाइबर का भी नाम खराब होगा। तो आपको ऑनलाइन रहना है शुरुआत में, यू हैव टू हैव पेशेंस, और एक बार आपने पेशेंस रखे तो 110% सक्सेस मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सक्सेस ना मिले, ठीक है। रिप्लाई फास्ट, जब थोड़े दिनों बाद आपके पास ऑर्डर्स या मैसेज आने शुरू होंगे ना, आपको बहुत ही जल्दी रिप्लाई करना है। मैं जब शुरू किया था मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आते थे, काफ़ी ऑर्डर्स आते थे। आई वॉज लकी एनफ कि मैंने एकदम सही टाइम पे स्टार्ट किया था। मैं सुबह के 6 बजे तक काम करता था और 10 बजे उठ जाता था और वापस से लग जाता था, तो मैं सोता ही नहीं था, लाइक इतना कम सोता था। और जैसे मैं उठता था ना इतनी चैट्स होती थी, मैं फ़ोन पे लगा रहता था कट 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 कट, सुबह उठने से पहले ही आप समझ लो कि बेड से निकलता नहीं था और मैं चैट करना शुरू कर देता था। वही रीज़न है कि मुझे इतनी सक्सेस मिल गई फाइबर पे, और जो मेरी न्यू प्रोफाइल है उस पे भी मेरे को बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही है। अब इवन कल रात को भी मैं सुबह के 8 बजे तक काम कर रहा था और फिर मैं दोपहर को उठा और तब जाके मैंने बाकी का काम करना शुरू करा। और पहले तो मैं सुबह सोता था और 4 घंटे के अंदर अंदर उठ जाता था क्योंकि काम इतना ज़्यादा होता था। तो आपको शुरुआत में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे अगर आपको बाद में सक्सेस चाहिए। डाउन द लाइन यू विल बी 110% सक्सेसफुल। ऑन टाइम डिलीवरी, अगर आपको ऑर्डर आ गया है
तो आप उसको टाइम से डिलीवर करो। अगर आप टाइम से डिलीवर नहीं करोगे तो आपका स्कोर नीचे चला जाएगा और आपके पास वैसे ही फिर ऑर्डर्स और वो नहीं आएंगे मैसेजेस। तो मेक श्योर अगर आपको कुछ इशू है, लाइट नहीं आ रही है, या लेट्स से अभी जैसे इंडिया में फ्लड्स आए थे तब नहीं आ रही थी लाइट लोगों के पास, या वो काम नहीं कर पा रहे थे, तो यूजर को, क्लाइंट्स को बोलो कि ना मेरे साथ ये इशू है, यहाँ पे फेस्टिवल है, या मेरे भाई की मैरिज है, मेरी मैरिज है, जो भी इशू होता है आप उनको बताओ, एंड दे अंडरस्टैंड फॉर श्योर। एक दो दिन की एक्स्ट्रा डिलीवरी आप कर सकते हो और फिर उनको बोलो कि मैं अच्छे से काम करके दूंगा और एक्सटेंड डिलीवरी करा के ऑर्डर डिलीवर करना। अगर विदाउट एक्सटेंड डिलीवरी ऑर्डर डिलीवर कर दोगे तो वो आपकी प्रोफाइल के लिए एक सुसाइडल पॉइंट होगा। डोंट कैंसिल द ऑर्डर अनलेस इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इशू कर रहा है पर्सन, आप उसका काम अगर ठीक कर सकते हो तो आप उसको ठीक करके डिलीवर करो। ऐसा नहीं कि उसने बोला मेरे को नहीं चाहिए, आप उसको कन्विंस करने की कोशिश करो। अगर आपने कन्विंस कर लिया एक बार तो 110% आपकी प्रोफाइल अच्छी जाएगी, क्योंकि आपको उससे बात करनी आ जाएगी लोगों से। अब मेरे साथ आज की डेट में ये है कि मैंने इतने हजारों लोगों से बात करी है ना, तो मुझे किसी भी जगह आप सेल करने के लिए भेज दो, मैं वहां सेल करके ही आता हूँ, क्योंकि मेरे साथ इतना, मुझे कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया ना लोगों से बात करके, लोगों को समझाने का तरीका ऐसा हो गया कि मैं जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो अच्छी प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्यों मैं इतना चार्ज कर रहा हूँ, या आपको मेरे से क्यों सर्विस लेनी चाहिए। लेट से सर्विस देने के बाद उसको कुछ इश्यू हुआ है तो उसके इश्यू को कैसे रिजॉल्व करना है और उसको कैसे टेम्पर लो करके उससे आराम से बात करनी है, क्योंकि हमें आगे भी बिजनेस करना है उनके साथ। ठीक है, फाइवर टेस्ट। फाइवर का ना एक टेस्ट होता है जो बेसिक टेस्ट होता है, जिससे पता लगता है आप फाइवर को कितना अच्छे से जानते हो। तो मैंने ये दो प्रोफाइल्स के लिए टेस्ट क्लियर करा है और दोनों में ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन आए थे। तो आई विल ट्राई टू डू वन थिंग, मैं एक पीडीएफ बनाऊंगा जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर दोनों लिख दूंगा और आप वो डाउनलोड कर सकते हो और उसको आप भी टेस्ट दे सकते हो, आपको ईजी हो जाएगा टेस्ट देने में। ठीक है, एटलीस्ट 10 में से 8 क्वेश्चन तो आपके हाथ लग ही जाएंगे। ओके, जैसे ही आप टेस्ट दे दोगे तो आपकी प्रोफाइल को काफी बेनिफिट होगा और जो यूजर एंड से भी लोगों को लगेगा कि यू आर सीरियस अबाउट फाइवर एंड यू नो योर वर्क। गेट रिव्यूज। रिव्यूज पे मैं एम्फेसिस नहीं कर सकता हूँ कितने जरूरी है। जैसे ही आपके रिव्यूज बढ़ेंगे ना आपके गिग पे, 110% वो ग्रो होगा। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बाय कर लो कहीं से रिव्यूज। बहुत सारे फेसबुक पे ग्रुप्स हैं जो $5 में, $10 में 5-10 रिव्यूज देते हैं, आपको वो नहीं लेने हैं, क्योंकि आपके अकाउंट जो है वो बैन हो सकता है या शैडो बैन हो सकता है। शैडो बैन का मतलब ये है आपको दिखेगा कि मेरी प्रोफाइल सही जा रही है, या आपको लगेगा कि मेरी बैन ही नहीं हुई है प्रोफाइल, बट हो सकता है कि जो आपकी फाइवर से शैडो बैन हो गई हो, इसका सीन ये रहेगा कि लोगों को आपकी गिग्स नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो वो काम आपको नहीं करना है। जैसे मैंने बताया था वीडियोस में अपनी पिछली, कि आपको जो रिव्यूज लेने हैं वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली लोगों से लेने हैं और एकदम जेन्युइन लगना चाहिए। वो होंगे वो फेक ही, बट स्टिल इट शुड लुक लाइक जेन्युइन। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स हैं, आपको ये 110% इन पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है। अगर आपने ये 10 पॉइंट्स फॉलो कर लिए ना, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम बींग सक्सेसफुल ऑन फाइवर। मार्क माई वर्ड्स, ये पॉइंट्स की वजह से मेरे जो न्यू प्रोफाइल है वो इतनी जल्दी ग्रो कर रही है। लाइक कल रात को ही 3 ऑर्डर्स आए थे एक साथ, और वो ऑर्डर्स भी आपको पता है मैं चैट करके फिर वो कैसे $500 $600 कर देता हूँ। ठीक है, तो आपको भी वैसे ही करना है। अब मैंने अभी तक आपको इतनी स्किल्स तो दे ही दी है, इतनी चीजें बता दी हैं कि आपकी जो स्टार्टिंग में जो लोगों को लॉसेस होते हैं, लोगों को समझ नहीं आता, जो 6 महीने 1 साल बर्बाद होता है ना, वो नहीं होगा। यू विल बी गुड टू गो विद इन अ वीक। ठीक है, तो ये पॉइंट्स 110% करने हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।